अरे भाई जोहार है, हम लोग गाँव काट में खाना खा रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं है, ऐसे हम लोग लीजिए दोस्तों, शहर में हम लोग मूली भेजते हैं और गांव में मूला रखते हैं। अगर ये मूला शहर भेज दें तो क्या होगा? हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये खूबसूरत नज़ारा, ये हम आए हुए हैं अपने गुरु मित्र विजय भाई के घर में। विजयरिया ब्लॉग्स के नाम से जाने जाते हैं, जो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो हम लोग सब कोई आए हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर लोग आए हुए हैं, आपसे एक एक करके सभी से रूबरू कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप विजय भैया का घर का व्यू देखिए, जो कि अभी देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए इनका घर के बगल का चारों तरफ का व्यू। अब दिखाते हैं आपको सपनों का घर, जो कि विजय भाई का है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस हरियाली खेतों के बीच में उनका घर, आप सबको यहीं से दिखाते हैं, फिर चलते हैं धीरे धीरे जाके उनके सामने हम मिल लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये पहाड़, और ये पहाड़ी वादियों के साथ उनका घर, देख रहे हैं सरसों की लहराती हुई खेत, कितना खूबसूरत नज़ारा है, वाओ। तो ये देखे दोस्तों, विजय भैया अभी खाना खा रहे थे, जैसे ही कॉल किए बाहर आए। भैया जी जोहार। अरे भाई जोहार, हम लोग गांव काट में खाना खा रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग भी खाते हैं, ये बड़ी बात थोड़ा ना है। फोन किया ना, तो निकले थे बाहर। हाँ हाँ हाँ, अरे भैया उतना अच्छा खाना नहीं खाते। अरे कुछ भी, हाँ गाँव का आदमी है भैया, चलता है क्या भैया? बैगन का आलू, अपना खेत का बैगन है और अपना खेत का आलू है। और ये देखिए अमर भैया भी आए हुए हैं साथ में, बैगन। हाँ बैगन, वही गांव का आदमी है, सब गांव का आदमी। सो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं सरसों के खेत में, और देख सकते हैं कितना सुंदर लहराती हुई सरसों का ये खेत है। और सरसों का तेल तो आप लोग जानते ही होंगे, ये गांव से बनता है ना जी? क्या अमर भाई? हाँ जी, गांव से ना बनता है, गांव से बनता है, ऐसे रगड़ देंगे तेल निकल जाएगा। हेलो, तो दिखाते हैं दोस्तों कैसे सरसों का तेल निकलता है, ठीक है। हम लोग वही गाँव वालों है जो सरसों से तेल बना के शहर भेजते हैं, ठीक है। देखिए ये सरसों का इसमें बीज है, ठीक है। ये देखिए इसमें बीज है दोस्तों, ये देखिए, ये जब पक जाएगा ना इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए ये सरसों का बीज देखे ना, इसको ऐसा करके जब पक जाएगा तो इसे करके रगड़ते हैं, और रगड़ के देखिए तेल कैसे, ये देखिए रगड़ दिए ना, अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन ये देख लीजिए पूरा एकदम चिप चिप करके ये तेल निकल गया। भाई का गालों में लगा देंगे ना, प्योर प्योर सरसों का तेल, वैसलीन वैसलीन काम नहीं, रियल है, रियल है, क्या है? ये है गांव, गांव की जिंदगी। आलू दिखाते हैं, आइए आप लोग, आलू आइए, आलू दिखाते हैं, आलू जहाँ लात रखेंगे वहीं आलू निकलेगा। देखिए आलू, आलू इसको दोस्तों अगर कोड़ेंगे ना, इसमें इतना आलू निकलेगा आप लोग सोचे नहीं, कम से कम 2.5 किलो 3 किलो आलू एक जगह। जी। देखिए आलू, देखिए आलू, ये भी आलू है, देखिए ये आलू, ये आलू, हाँ बहुत आलू, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब इसके अंदर जितना कोड़ेंगे उतना आलू निकलेगा, जितना। ये देखिए आलू, यहाँ देखिए आलू, ये देखिए उंगली से आलू, और ये प्योर आलू है, और आप देसी आलू। 95% आदमी आज भी गाँव पर निर्भर करता है, चाहे वो किसी भी साधन में हो, गांव उसको आना है, गांव के माध्यम से उसका रहन सहन, खाना पीना सब कुछ 95% निर्भर है गांव पर। और ये आलू हम बता दे रहे आप लोग को, बहुत कोई बुरा बोलेंगे, हम किसी गांव को नहीं और शहर को किसी को बुरा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लोग गांव से ही शहर जाते हैं, सौरभ भैया भी यही समझा रहे हैं। लेकिन ये आलू मानिए कि छोड़ दिए हम लोग, छोड़ दिए इस आलू को, इसको अगर कोड़ेंगे ना तो इसमें सोचिए कितना आलू निकलेगा, मतलब जितना आलू निकला उतना तो रख लिए है, इसके बाद अभी छोड़ के और कोड़ेंगे तो और निकलेगा, क्या भैया? हाँ भैया, हम लोग बचपन में इसको कोड़ के और जला के खाते हैं, पका के। आलू आलू देखिए ना, यहाँ आलू, यहाँ लात रख, यहाँ आलू, आलू ही आलू निकलेगा दोस्तों, इतना आलू, ये सब वेस्ट नहीं है, पर यही गाँव का आदमी, मतलब हम लोग खाते हैं, जब मन करता है आओ कोड़ो और खाओ बस। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं अब आलू और सरसों का खेत को पार करते हुए बैर खाने के लिए, और यहाँ देखिए अमर भैया आए हैं, साथ में आनंद भाई आए हैं, और कितना ज्यादा बैर पका पका है, देखिए वाह, मजेदार बैर है, खाइए। अरे यार वाह, क्या बात है, बैर के बड़े शौकीन है भैया का, कौन आप? बहुत मीठा लगता, बहुत ज्यादा शौकीन है लग रहा है, सब चीज के शौकीन है। हाँ हाँ वाह, नमक मार के देखिए। हाँ नमक, अरे वाह वाह,
सो दोस्तों हम लोग बैर तोड़ के आ गए और देखिए अमर भाई कैसे खा रहे हैं, एकदम नमक और साथ में मिर्ची मिर्ची, इतना बड़ा मिर्ची खा रहे हैं जी। ये तो अभी आप अभी आए? हाँ अभी आए। इस देखिए कितना ज्यादा कोर है, क्योंकि हम गांव का आदमी इसलिए ऐसे ही खाते हैं। हाँ मैं फटा शर्ट पहन रहा हूँ जी, मैं गरीब, गांव के लोग ऐसे ही पहनते हैं, मजा नहीं। देखिए फटा कोट पैंट नहीं ना पहने हैं? नहीं भैया फटा। अच्छा यार ये भैया ये देखिए सच में, अरे गांव के लोग गांव होते हैं भैया। चलिए थैंक यू। ये जितना मजा आएगा ना खाने में ना, पूरा पक्का वाला मजा नहीं आएगा, मानते कि नहीं मानते इस बात। सब गाँव के हैं भैया, बिहार पूरा भारत गाँव है, हमारा भारत देश है, कृषि प्रधान देश, और हमारे देश के सेकंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा भी लगाई थी, जय जवान जय किसान। क्यों जय जवान? जवान रहेंगे तभी हमारा देश टिका रहेगा, किसान है देश रहेगा, क्योंकि अन्न दाने किसानी उपजाते हैं। अभी पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं ना, 120 रुपए किलो आटा, 1200 रुपए पैकेट, 5 किलो का। देखिए हमारे एक शिष्य हैं रंगीला फिर बोलो, वो बढ़िया तरह से उदाहरण दिए हैं इसके विषय में। गांव की जो नेचुरल प्रकृति वो सबसे आज आपको रूबरू कराएंगे, और उससे पहले हम आप सबको एक चीज़ दिखाते हैं जो कि विजय भैया भी बताए थे कि किसान जो है देश का अर्थव्यवस्था में नंबर वन रीड रखता है, मतलब बहुत अहम भूमिका निभाता है, और वो किसान कैसे कैसे फसल उपजाते हैं, कहाँ तक भेजते हैं, देश देश के कहीं विदेश तक भी जो आयात निर्यात होती है वो किसान के ही हाथों में होती है। चलिए आज नमूना पेश करते हैं आप सबको, ये देखिए हरियाली जो खेत देख रहे हैं इसमें आज आप सबको दिखाएंगे गाँव की मूली, और उसको मूली नहीं मूला बोलेंगे, मतलब उसके जैसा मूली में ना, मानिए कि चार को मूली और घुसा होगा इतना खतरनाक होगा। देखिए एक उखाड़ी वही रख खड़ी है ना, बाहुबली देख सकते हैं, ये मूली नहीं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों देख रहे हैं ना, ये गांव का मूला, समझ रहे हैं ना, ये है गांव का मूला। हमें लेना पड़ेगा जी भैया, ये मूला लेके आए हैं, खाना हो गया आपका? तो ये किसी को तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं ना कि शहर में इसको क्या बोलते हैं भैया, ये मूली है, मूली है, लेकिन हमको तो लग रहा है कि ये मूला है, गांव का मूला है ना, खिलाना होगा ना, टेस्ट लग रहा है, मीठा मीठा। नहीं इसके सामने वो भी पहले क्या क्या दोस्त, क्या शकरकंद भी पहले, सही में बहुत मीठा लगेगा ये तो, पक गया दोस्तों। हाँ क्या हुआ है, ये सब ओरिजिनल चीजें देखने को मिलता है, इसमें इसके अंदर और चार को मूला है दोस्तों, मूला नहीं है मूली निकलेगा, मूला कितना के जी होगा पता, मेरे ख्याल से हो जाएगा 2-3 किलो, 2.5 किलो होगा, 2.5 किलो दोस्तों, ये 2.5 किलो का मूला, अगर किसी का पड़ता है ना, ये 2.5 केजी का हाथ है ना, ये 2.5 किलो का मूला है दोस्तों, ये 2.5 केजी का हाथ है, वही अलग, इसका जड़े तो मूली है, ये तो मूला है, जड़वा मूली है इसका। सो दोस्तों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, इसलिए बाहर निकल गए क्योंकि विजय भाई अभी मतलब बहुत ज्यादा बिजी, नहीं हम लोग सोच भी नहीं सकते थे ना कि क्या हुआ था, हम लोग पहुंचे तब पता चला कि क्या है, और रियल में आप लोग को देखने आज मिलेगा, क्या पता बहुत कोई देख चुके होंगे अभी तक है ना जी, जी। और जो नहीं देखे होंगे प्लीज जाके देखिए आप लोग क्या हुआ था आज पता चला, और हम लोग का भी मतलब लगा कि यार ऐसा भी कोई बोल सकता है, देखने के बाद सही में ना हम लोग को बहुत खराब लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अभी आए हुए हम लोग विजय भैया का घर, विजय भैया कुछ वीडियो बना रहे हैं जो उनका चैनल में जाकर आप लोग देखिएगा, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और उसके बाद फिर हम लोग सब मिलकर वीडियो बनाएंगे। आज जो है अंकुश सक्सेना को पूरी जवाब दे रहे हैं विजय भैया, और एकदम पूरा जो है सारे चीज़ साफ साफ गांव के आदमी को बेइज्जती किया गया है, आप देख लीजिए जाके। और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग शहर के व्यक्ति को कुछ नीचा दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस हम कुछ लोगों को आईना दिखाना चाहते हैं कि आप गाँव के लोगों को नीचा दिखाना बंद कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत मज़ेदार होगा नेक्स्ट ब्लॉग और भी।